नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल वर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न लेके आया हूँ जिसका नाम है हॉर्स बीट, मतलब घोड़े की चाल। एक ऐसा पैटर्न है जो हमें बजाने में सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसका नाम है हॉर्स बीट। तो आज की इस वीडियो में आप लोग वो पैटर्न सीखेंगे, हॉर्स बीट बजाना। तो आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग उस हॉर्स बीट को, जो पैटर्न है, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में इसके बोलों को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये पैटर्न छल्ले से बजता है। सबसे पहले हमें एक छल्ला अंगूठे में पहनना होगा इस प्रकार से। तो ये पैटर्न छल्ले से बजता है, अंगूठे में पहनने से। तो आइए, इसमें छल्ला लगता है तो एक घोड़े की जैसे चलने की आवाज होती है, ठीक उसी प्रकार से इस पैटर्न में इसकी आवाज है। यह है, तो इसका एक बहुत बढ़िया बोल है। इसका बोल है धित्ता धिद्धा धित्ता धिद्धा धित्ता धिद्धा धित्ता धिद्धा धित्ता धिद्धा। केवल चार बोल इसमें हैं, एक तो कहरवा का प्रकार है ही है। चार बोल, चार दूनी आठ, आठ मात्रा का हमारा कहरवा ताल होता है। तो ये चार बोलों का है, धित्ता धिद्धा धित्ता धिद्धा। हमें बजाना कैसे, तो इसमें छल्ले का यूज कर रहे हैं और इन दो उंगली का यूज कर रहे हैं, दो फिंगर का इसका यूज कर रहे हैं। बाकी इस फिंगर का यूज नहीं होना है, इस फिंगर का यूज नहीं होना है, केवल छल्ला और ये दो उंगली का यूज होना है। तो पहले है धित्ता धिद्धा। तो पहला जो बोल है धी, धी हम बजाएंगे छल्ले से यहाँ पे, और छल्ले के साथ में हमारा ये बायां लगेगा धी, क्योंकि धा और धी हमारा सेम बजता है, दोनों को मिला के धा और धी बजता है। तो पहले धी, धी बजा लेंगे पहले धी। उसके बाद में है ता, ता इस फिंगर से बजाएंगे ये यहाँ पे, तो हो गया धित्ता धित्ता। ता हमारा खाली बचेगा धित्ता, उसके बाद में धित्ता, तो धी फिर आ गया, तो धी से बजेगा। और जो धा है, धा हमारा इस फिंगर से बजेगा, जिस फिंगर से हमने ता बजाया उसी से धा बजेगा, लेकिन ये साथ में बजेगा, इस दो फिंगर के साथ में बायां भी लगेगा धा। तो हो गया धित्ता धित धा, धी और धा है तो धी धा, धी से बजेगा, धा भी में बायां दोनों में लगेगा। चार बोलों में से तीन बोल पे बायां लग रहा है, एक बोल पे नहीं लग रहा है, वो बोल है ता, ता हमेशा खाली बजता है। तो धित पे बायां लगेगा, ता खाली बजेगा, फिर धी, धी में बायां लगेगा और धा, धा में बायां लगेगा। तो धित ता धित धा, एक बार फिर से देख लीजिए, धी ता ये है, धी ता धी धा धा, हमारा धा इससे बजेगा धा, धी ता धी धा धी ता धी धा धी ता धी धा। ये एक हॉर्स बीट है और वेस्टर्न भी इसे बोलते हैं, वेस्टर्न। इस तरह इस पे गाने कौन कौन से बज सकते हैं, आइए मैं आपको गा के भी सुना रहा हूँ। इस तरह के गाने इसमें बजते हैं। और हमारा दूसरा गाना भी बजेगा, जिंदगी ही एक सफर है सुहाना, क्या पल का हो किसने जाना,
पैटर्न है, इस पे इस तरह के गाने चलेंगे। तुसायर है हार्ट बीट, एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। आप लोग इसको सीखेगा, रियाज कीजिए, अभ्यास कीजिए। और हमारी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारी इस वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।